साल 2019 में जब भारत ने कश्मीर से विशेष दर्जा छीन लिया था, तब भी हमने इसका कड़ा विरोध किया था, क्योंकि कश्मीर ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ रहा है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कश्मीर का मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाएगा, क्योंकि ये फैसला विवादित और कानूनों के खिलाफ है। इससे दशकों से चला रहा मसला खत्म होने के बजाय और बढ़ जाएगा। ये बयान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्टिकल 370 पर आए फैसले के बाद दिया है। आगे इमरान खान ने कहा, हम हमेशा से भारत के साथ अच्छे और मजबूत संबंध रखना चाहते थे, लेकिन अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए। जब से आर्टिकल 370 हटने का फैसला सामने आया, तब से हमारे लिए ऐसा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कश्मीर के लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। बता दें, साइफर केस मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और चेयरमैन तहरीक ए इंसाफ अडियाला जेल में बंद है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने दोनों को साइफर केस मामले में आरोपी ठहराया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था और राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो हिस्सों में बांट दिया था। आर्टिकल 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिसकी सुनवाई 5 जजों की बेंच ने की थी। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर कहा, अनुच्छेद 370 हमेशा से एक अस्थायी प्रावधान था और इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण करना था, ना कि उसे अलग करना। कोर्ट के इस फैसले से ये बात स्पष्ट हो गई कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक पर भारतीय कानून लागू होंगे और साथ ही कश्मीर में हर भारतीय को वो सभी हक मिलेंगे जो देश में सभी नागरिकों को मिलते हैं। साथ ही कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए चुनाव करने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। शुक्रिया।